Hi there guys, I hope you are all doing well. So welcome to another video or welcome to another vlog. Basically ये vlog मैंने कब का record कर लिया हुआ था but मैं upload करना भूल गई थी और मैंने पहले stall day वाला record करके upload कर दिया but preparation वाला रह गया था तो मैंने सोचा क्यों ना अब upload कर दूँ. सो बेसिकली हम लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए थे बट वो काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़े थे. देन हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये क्यूट मिनी से शॉपिंग बैग्स ले लेते हैं जिसमें हम लोग के फ्रेम्स और पोलारॉइड्स वगैरह इजीली आ रहे थे. तो ये 120 में हमें 10 पैकेट्स मिल रहे थे. इसमें काफ़ी मज़े मज़े के इनके पास पड़े हुए थे बट हम लोगों ने यूनिकॉर्न वाला ले लिया क्योंकि वो क्यूट लग रहा था. सो या और ये बेबी वाले बॉक्स भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे. ये 1500 में 4 बॉक्सेस थे. खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं थी बट मुझे क्यूट लग रहे थे ये भी. और इनके पास कैंडल्स भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस में अवेलेबल थी. मिनिमम भी 100 की और मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी. अंकल क्रेप पेपर पड़े हैं नहीं, वो सामने से मिलेंगे. फैन पेपर मार टीचर भी और ये भी देन मुझे फ्रेम्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, बटरफ्लाइज और स्टिक्स वगैरह. देन हम लोग उर्दू बाज़ार मॉल गए बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन हर चीज़ क्राफ्टिंग से रिलेटेड उनके पास अवेलेबल थी. इजीली जो भी हम लोग को चाहिए था वो हमें वहाँ से मिल गया था. और हमें कैनवस और आर्केली कलर भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे क्योंकि हम लोगों ने कैनवस का रेट मार्केट से लिया था वो 150 था बट हमें उर्दू बाज़ार से इजीली 60 का बड़ा वाला कैनवस मिल गया था. ये जो मेटालिक बैलून्स है ये भी एक पैक हम लोगों को 60 का आई थिंक हाँ मिल गया था और इसमें एक पैकेट में 5 थी. इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी. और ये जो स्टार्स वाले हैं ये 40 का ईजिली मिल गया था. ये वुड कैचर्स होते हैं आई थिंक और इसमें 32 पीसेस थे. ये भी आई थिंक मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद बट ये 140 या 30 का मिल गया था इजीली. और ये वुड बटरफ्लाइज हैं इसमें भी आई थिंक 20 प्लस पीसेस थे और ये भी 100 समथिंग की थी. और ये स्टिक्स का पैक 25 का था. इससे मैंने फ्रेम्स वगैरह बनाए थे ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी. और ये बैलून स्टैंड था ये भी आई थिंक 250 का था. और ये इमोजीज वाले भी स्टिकर काफ़ी क्यूट लग रहे थे और ये भी आई थिंक 50 का हमें एक पैकेट मिला था. और हैंडमेड कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए मुझे मार्कर चाहिए थे बट मैंने डॉलर के ले लिए लेकिन इनकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी बट ठीक थी. और कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए मैंने कंप्यूटर शीट्स ले ली थी ये भी 250 का पैक था. और ये थे हमारे क्यूट कस्टमाइज स्टिकर्स. ऑलराइट अब आते हैं कार्ड्स की तरफ. सो मोस्टली कार्ड हम लोगों ने कंप्यूटर शीट्स वगैरह यूज़ करके बनाए थे और इसमें से कुछ कार्ड्स ऐसे थे जिसको हम लोगों ने चार्ट पेपर यूज़ करके बनाया था. मोस्टली कार्ड्स पर हम लोगों ने कंप्यूटर शीट्स यूज़ की थी क्योंकि जो भी हमने उस पर लिखना होता था वो ईजीली लिखा जा सकता था बट जो चार्ट पेपर थे उस पर इतना ईजी नहीं होता था लिखना. और राइट जो ये फ्रेम था इसको मैंने आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करके बनाया था. देन मैंने इसके फ्रंट पर कंप्यूटर शीट्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स काट कर और जो जो मुझे कोटेशंस अच्छी लगी वो मैंने लिख ली थी. बाकी ये भी काफ़ी मज़े का बन गया था. और राइट ये टिशू स्टैंड था इसको मैंने फ्रंट पर फॉर्मिक शीट्स कटिंग करके ट्राइंगल शेप में और साथ में मैंने बटरफ्लाइज लगा दी थी.
और देन मैंने स्टिक को हाफ हाफ कट करके फ्रंट पे लगा दिया था ताकि ये इजीली स्टैंड हो सके। सो आप लोग इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर या किचन में रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी क्यूट और डिफरेंट लगता है। ऑलराइट, इस पर भी मैंने टू स्टिक्स ऐड करके और उसी शेप की मैंने कंप्यूटर शीट्स कट कर ली थी और देन मैंने इसके साइड्स पर बटरफ्लाइज ऐड कर दी थी इसको थोड़ा क्यूट बनाने के लिए। और इस पर इसको भी आप लोग अपनी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। जो ये फ्रेम था इसमें मैंने तो कलर्स ऐड करने के लिए शीट लगा दी थी, बट आप लोग कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। देन मैंने वुड कैचर से पिक्चर इस पर हैंग कर दी थी ताकि बाद में पिक्चर चेंज भी करनी हो तो हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, जो ये BTS वाला फ्रेम था इसके भी फ्रंट पर मैंने इस तरह से फॉर्मिंग शीट्स की शेप लगा दी थी और बटरफ्लाइज लगा दी थी। तो इसका मेन काम जस्ट ये पीछे इसको स्टैंड करना था, बट आपकी बहन ने जुगाड़ लगा लगा के उसको स्टैंड कर ही लिया था और ये भी काफ़ी मज़े का बन गया था। राइट, जो ये स्टैंड था इसको मैंने पोलारॉइड्स को डिस्प्ले पर लगाने के लिए बनाया था, बट आप लोग इसमें अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और इसे एज अ ज्वेलरी स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, जो ये कार्ड था इसमें भी हमने प्लेन शीट पर कंप्यूटर शीट्स वगैरह यूज़ करके बनाया था। ऑलराइट, जो ये कार्ड था इसकी मैंने बेस चार्ट पेपर से बनाई थी, देन मैंने इसके फ्रंट पर मिनी मिनी स्ट्रिप्स काट कर कंप्यूटर शीट्स की लगा दी थी और हार्ट्स भी खुद कटिंग किए थे। इस तरह ये क्यूट कार्ड बन गया था। और जो ये कार्ड था इस पे सबसे ज़्यादा एफर्ट हुई थी क्योंकि इस पे आई लव यू लिखने सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था। समझ रहे हो ना? सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस लाइक्ड माय व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।